कहते हैं ना, चमत्कार कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, तो एक ऐसा मिराकल एक पायलट के साथ होता है जो अपने प्लेन के साथ फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है। अब स्टार्टिंग में सभी चीज तो ठीक होती है, लेकिन अचानक ही मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। मौसम इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं। अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है और उस पायलट को लगता है कि ये उसका आखिरी समय है। लेकिन चमत्कार होता है, एक ब्लैक एरोप्लेन उसे दिखता है जिसमें बैठा एक पायलट उसे देखता है और फिर वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करके फिर लैंड करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, वो जो ब्लैक एरोप्लेन जिसे वो फॉलो कर रहा होता है वो अचानक गायब हो जाता है। और जब वो कंट्रोल सेंटर में जाके ये चीज पूछता है तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जिसे तुम लोग यानी कि सभी कोई सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। तो चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है देन वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक जरूर देखना, तभी तुम लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलो दोस्तों, बिना कोई डिले किए आज का हमारे ये एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पायलट कहता है कि मून ईस्ट में ऊपर की तरफ आ रहा था, स्टार्स क्लियर स्काई में चमक रहे होते हैं, स्काई में एक भी क्लाउड नहीं था। पायलट बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अकेले आराम से क्लियर स्काई में बिना कोई दिक्कत के उड़ रहा होता है। वो पायलट अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से अपने कंट्री इंग्लैंड जा रहा होता है। वो अपने हॉलीडेज के बारे में सोच रहा होता है जो कि अब शुरू होने वाला था, और वो इस बारे में सोच कर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो बहुत दिन बाद अपनी फैमिली से मिलने वाला था और वो अपने वाइफ के हाथ के अच्छे ब्रेकफास्ट को खाने वाला था। अब वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और टाइम था सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं, यानी कि सुबह के 1:30 हो रहे होते हैं। वो सोचता है कि पेरिस कंट्रोल रूम में उसे कॉल कर लेना चाहिए। फिर वो अपने रेडियो को ऑन करता है और बोलता है कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हेयर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड आने के रास्ते पे हूँ, ओवर। अब जवाब आता है, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें अभी 12° वेस्ट की तरफ मुड़ना है, DS-088, ओवर। पायलट अब अपने मैप को कंपास को चेक कर लेता है और प्लेन के लास्ट फ्यूल टैंक पे स्विच करके प्लेन को 12° वेस्ट की तरफ घुमा लेता है। पायलट उड़ते हुए सोचता है कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे वहाँ अपने घर पहुँच जाएगा और टेस्टी सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंजॉय करेगा। सभी चीज़ें अच्छी चल रही होती है, वो एक इजी फ्लाइट होता है। अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था तभी वो स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स देखता है। वो क्लाउड्स बहुत ही बड़े होते हैं, बिल्कुल एक माउंटेन की तरह, और वो एकदम डकोटा के सामने खड़े होते हैं। उस पायलट को ये पता होता है कि वो अपने प्लेन को क्लाउड्स के ऊपर से नहीं ले जा सकता था, उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो क्लाउड्स के नॉर्थ या फिर साउथ से जा पाए। अब वो पायलट डिसाइड करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा और वो रिस्क लेगा। अब बिना कुछ ज़्यादा सोचे वो डकोटा को उन स्टॉर्मी क्लाउड्स में लेकर चला जाता है। क्लाउड्स के अंदर सभी चीज़ें अचानक ही ब्लैक हो गई थी, प्लेन के बाहर पायलट को कुछ नहीं दिख रहा होता है। अब पायलट कंपास को देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कंपास केवल गोल गोल ही घूमे जा रहा था, कंपास खराब हो चुका था, प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट अचानक ही खराब हो गए थे। फिर वो रेडियो ट्राई करता है, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब वो पायलट उस स्टॉर्मी क्लाउड्स में खो गया था। अब जब सभी रास्ते बंद हो गए थे तभी पायलट को उसके प्लेन के पास एक दूसरा प्लेन दिखता है। वो प्लेन ब्लैक कलर का था। वो देखते हैं कि दूसरे पायलट का फेस उनकी तरफ ही था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आखिर कोई तो इस स्टॉर्मी क्लाउड में उनके साथ है। फिर वो दूसरे प्लेन का पायलट अपने हैंड को वेव करता है और उसे फॉलो करने का इशारा करता है। अब वो दूसरा पायलट अपने प्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ टर्न कर लेता है, एकदम डकोटा के सामने, ताकि मुझे यानी कि उस पायलट को फॉलो करने में कोई दिक्कत ना हो।
अब वो उस प्लेन को फॉलो करता है। अब आधे घंटे उड़ते उड़ते डकोटा का जो फ्यूल होता है वो खत्म होने लगता है। अब डकोटा में 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा होता है। अब उस पायलट को डर लगने लगता है, लेकिन अचानक ही वो दूसरा प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है। वो उसे फॉलो करता है और अचानक ही वो स्टॉर्म से बाहर आ जाता है और उसके सामने रनवे होता है। वो पायलट अब सेफ था। अब जैसे ही वो पायलट अपने साथी ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो अकेले थे वहाँ। स्काई पूरा साफ था, वहाँ एक भी बादल नहीं था। अब वो लैंड करते हैं और तुरंत ही कंट्रोल टावर की तरफ चले जाते हैं। फिर पायलट कंट्रोल सेंटर में बैठी एक लेडी से पूछता है, वो दूसरा प्लेन और पायलट कौन था जो उस स्टॉर्म में था? मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आज उसके चलते ही मैं जिंदा हूँ। वो लेडी उस पायलट को स्ट्रेंजली देखती है और अचानक ही हंसने लगती है और बोलती है कि दूसरा प्लेन, वो भी स्टॉर्म में, आज तो दूसरा कोई भी प्लेन उड़ नहीं रहा है और केवल तुम्हारा ही एक प्लेन मुझे रेडार पे दिख रहा था साफ साफ। अब वो पायलट पूरा शॉक्ड हो जाता है और ये सोचता है कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था जिसने उसकी हेल्प की, और वो केवल यही सोच में रहता है। सो गाइस, अब तुम लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था, ये एक मिरेकल से कम था कि नहीं, ये भी कमेंट करके लिखना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।